मध्य प्रदेश में 5 महीने बाद कोरोना को लेकर अच्छी खबर। 16 जुलाई को कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। विदिशा के कुएं हादसे के 24 घंटे बाद रेस्क्यू खत्म। मलबे से 11 शव बरामद। शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया। घर पर टीका लगवाने के कारण घिरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। कांग्रेस का बयान, बास्केटबॉल खेल सकती हैं, शादियों में नाच भी सकती हैं, लेकिन टीका लगवाने नहीं जा सकती। महंगाई को लेकर मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दिया विवादास्पद बयान। कहा, कोरोना के कारण बढ़े दाम। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में 1 अगस्त से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। गाइडलाइंस हुई जारी।